आपलं चॅनल आपला आवाज के टी व्ही न्यूज रत्नागिरी कोकण महाराष्ट्र. देश विदेशातील असंख्य दर्शक आतुरतेने वाट पाहतात ते म्हणजे कोकणातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल के टी व्ही रत्नागिरी. हे न्यूज चॅनल लाईक करून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ताज्या घडामोडी पाहायला विसरू नका. के टी व्ही रत्नागिरी. उर्दू माध्यमातून शिकणारे अनेक विद्यार्थी आज मोठमोठ्या पदांवर काम करीत आहेत, त्यामुळे उर्दू ही एक चांगली भाषा असल्याचं गटशिक्षणाधिकारी सुनील पाटील यांनी सांगितलं. शेवटचं औषध ज्याला आपण म्हणतो त्याला एज्युकेशन असं म्हणतो. म्हणजे या समाजाला, मुस्लिम समाजाला शिक्षण मिळणं ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि ती आजच्या काळाची गरज आहे. पण दुर्दैवानं शिक्षण म्हटल्यानंतर आपल्या समाजामध्ये इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण असा एक गैरसमज निर्माण झालेला आहे. शिक्षण चांगले मिळवायचं असेल तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये घाला. असं कुठंच नाही की इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये शिक्षण चांगलं मिळतं. उर्दू माध्यमाच्या शाळेमध्ये शिकलेली खूप चांगली लोक, वेगवेगळ्या पदांच्या वरती गेलेली लोक आपण पाहतो. पूर्वी कुठे इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण होतं, पण तरी सुद्धा दुर्दैवानं जे चमकतं ते सोनंच आहे असं समजून त्या पाठीमाग अज्ञानामधून धावणारी मोठी पिढी मला या समाजामध्ये पाहायला मिळाली. म्हणून मी मुद्दाम म्हणून हे सांगतो की चमकणाऱ्या फसव्या जाहिरातींच्याकडे धावू नका. उर्दू माध्यमाच्या शाळा टिकवण्याची खूप मोठी जबाबदारी तुमच्यावरती आहे आणि या उर्दू माध्यमाच्या शाळा जर तुम्ही टिकवल्या तर आणि तरच तुमच्या धर्माच्या बाबतीतले जे काही ग्रंथ आहेत, जे उर्दू मध्ये आहेत, जे अरबी मध्ये आहेत, ते मुलांना भविष्यामध्ये वाचता येतील. नाहीतर या मुलांना नेमकं इस्लाम काय आहे हे इंग्रजी माध्यमाच्या पोरांना समजणार नाही. रत्नागिरी तालुक्यातील शेख हसन उर्फ भाई शेठ दाऊद नाईक उर्दू हायस्कूल येथे अल्पसंख्याक हक्क दिनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्याची सुरुवात कुराण पठण आणि हम्दने करण्यात आली. कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले गट शिक्षण अधिकारी सुनील पाटील, एडी नाईक हायस्कूलचे मुख्याध्यापक सिराज मोमीन, जुलेखा दाऊद काझी हायस्कूल पावसच्या मुख्याध्यापिका साजिदा बिजापुरी, शिरगाव केंद्र प्रमुख अमर घाडगे आदींचं संस्थेचे सेक्रेटरी निसार राजपूरकर यांनी स्वागत केलं. हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका अंजुम सोलकर यांनी आपले प्रास्ताविक पर विचार व्यक्त केले. नॅशनल कमिशन ऑफ मायनॉरिटी 18 डिसेंबर 1992 को हुआ, उस वक्त से ये दिन ज्यादा यानी सब तरफ पूरे भारत में या पूरी दुनिया में भी मनाया जाता है, क्योंकि जहां जहां या जिस जिस देशों में ऐसे अल्पसंख्यक रहते हैं या ऐसे अकलियती लोग रहते हैं उनको पूरी तरह से हुकूक मिल सके और हमारे लिए भी ऐसे हुकूक हैं. तो ऐसे कौन है? तो हमारे देश में या हमारे यहाँ पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध,
ये लोग इनमें गिने जाते हैं। तो इन लोगों को जो हुकूक हैं ये खास रहते हैं, जैसे कि तालीमी हिसाब से रहते हैं, कॉलेज में उनको एडमिशन के हिसाब से रहते हैं, वहां कुछ उनके लिए जगह रहती है, परसेंटेज के हिसाब से कुछ जगह रहते हैं वहां पर, या अगर वो ऊंची तालीम हासिल करना चाहते हैं तो कुछ कर्जा दिया जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं, इन बातों के बारे में जानकारी देने के लिए अपने फिर कुछ स्कॉलरशिप रहते हैं, कुछ रोजगार दिए जाते हैं। इन बातों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज दो हेडमास्टर साहबान हाजिर है यहाँ पर। जो देश यहाँ पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के हिसाब से जीता है हमारे देश में, यह अकलैती समाज जो है भारत का एक अटूट हिस्सा है। यानी हम जो अकलैती समाज है वो एक अटूट हिस्सा है। जब इस समाज की तरक्की होगी तब पूरे देश की तरक्की हो सकती है। अगर कोई भी समाज का हिस्सा पीछे रहा तो किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए हमें इन हकूक के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर दो लेक्चर इंशाल्लाह आगे होंगे। और इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। मुख्याध्यापक सिराज मोमीन यांनी आपल्या व्याख्यानामध्ये अल्पसंख्याक घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्कांची जाणीव याबाबत मार्गदर्शन केलं। कि खुदा करे कि ये दस्तूर साजगार आहे और जो बेकरार है उनको भी करार आहे। और बाहर आए कुछ इस शान की बाहर आए कि फूल ही नहीं कांटों के भी निखार आए। जरा कोशिश तो करें हम अपने उस ख्याल से, उस हॉल से बाहर तो निकले। वही रोज सुबह हमारा एक ही मामूल बना हुआ है, वही हमारी सुबह हो रही है, वही हमारी शाम हो रही है, इसी तरह से हमारी उम्र तमाम हो रही है। हम अपने मकाम को, अपनी हैसियत को, अपनी असलियत को, हत्ता कि अपनी औकात को तक हम नहीं पहचान पा रहे हैं। हमें उठना होगा, हमें लड़ना होगा, हमें पाना होगा। आदमियत के दायरे से निकलकर हमें इंसानियत के दायरे में जाना होगा। जब हम आदमियत के दायरे से निकलकर इंसानियत के दायरे में चले जाएंगे तो ये हुकूक खुद बहुत सर झुकाते हुए मेरे और आपके आंगन आएंगे। या प्रसंगी संस्थेचे उपाध्यक्ष अल्लाउद्दीन साखरकर, प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक नईम ठाकूर, शाहिद मजगावकर, शिक्षक अजीम कोतोडेकर, परवेज गडकरी यांच्यासह साखरतर पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। अल्पसंख्याक समाजाच्या योजना याबद्दल मुख्याध्यापिका साजिदा बिजापुरी यांनी मार्गदर्शन केलं। और प्राइम मिनिस्टर के जो 15 प्रोग्राम्स है उसमें देखो है कि इंप्लीमेंट ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से जो होने वाली है स्कीम्स वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्कूल एजुकेशन एंड लाइब्रेरी हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें स्कूल के लिए सर्व शिक्षा अभियान है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के लिए भी है स्कीम स्कॉलरशिप, स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को जो अभी मैंने कहा, और ग्रेटर रिसोर्स फॉर टीचिंग उर्दू। उर्दू की अभी बात कर रहे थे, मोमिन सर ने भी कहा, साहब ने भी कहा हमारे कि टीचिंग ग्रेटर उर्दू टीचिंग के ग्रेटर रिसोर्स है, अच्छे से अच्छे रिसोर्स के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है पैदा करने के, बढ़ाने के लिए उसका भी फायदा होता है। दरवर्षी 18 डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्याक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो आणि हा कार्यक्रम साखरतर येथे आयोजित केल्याबद्दल संस्थेचे सेक्रेटरी निसार राजपूरकर यांनी समाधान व्यक्त केलं आणि अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ घेण्याचं आवाहन केलं। मजदूरों को पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए, हमको सबको मालूम है। हमने अपना मजहब, अपना इस्लाम समझ के मिलते का मुसलमान जा घर पैदा हो पक्को मुसलमान, ऐसे ऐसे लोग हैं।
और कह दिया क्या उन्होंने लपे आते दुआ। आज लपे आते दुआ के बारे में क्या चल रहा है अब दंग ऐसा ही सबको मालूम है, कहने की जरूरत है। उस पर भी मैं कितने जहनियत के हमारे उपाले क्या कही इन हिटलरवादों को, इस पर भी बैन। और तालीम के बारे में कह दिए अंग्रेजी और उर्दू के बारे में सोने के मिसाल दी उन्होंने, सोने की कि सोना हर चीज चमकती सोना नहीं होती।